Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is the Indian Constitution, second part. In the first part we have finished what is constitution and why does a country need a constitution. Clear? And in this session we are going to study about the key features of the Indian Constitution. Clear? In the previous session I told you that our constitution is framed by the Constituent Assembly. And during the British rule, we felt so many experiences, bitter experiences, that for example, the Indians were not supposed to participate in the decision making. And the Indians were treated as second grade citizen, means apni hi country aur humko stepmotherly treatment mil raha tha. We are not getting the equality and freedom as the Britishers were away here. तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे फ्रेमर्स ने डिसाइड किया कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसमें भी इरेडिकेट ऑल दीज थिंग्स. सबको फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी एंड राइट टू वोट विल गेट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री. तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे फ्रेमर्स ने कुछ की फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन कौन से थे वो अब हम पढ़ेंगे. नंबर वन इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Not only the center government, they introduce the state government also. Why? Because only the center government cannot eradicate or solve the problem of the entire country. जो दिल्ली में बैठा हुआ है they cannot understand the problem of UP, the problem of Kerala. तो इसलिए हमारे constitution ने एक state government को भी introduce किया and they also have the power and functions. Along with center government, clear? And इसके साथ साथ एक पंचायती राज सिस्टम. बिकॉज स्टेट इज ऑल्सो अ वेरी बिग. सपोज वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूपी. जो मिनिस्टर्स हमारे लखनऊ में बैठे हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मंसूरपुर और द छोटे छोटे विलेजेस हो गए. मंसूरपुर हो गया, मंसूरी हो गया, विच इज इन यूपी. वहां की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन कर सकता है? द लोकल पीपल. केवल वो ही जानते हैं कि हमारे एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम. क्लियर? एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, एवरी सिस्टम गेट्स देयर ओन पावर एंड फंक्शंस. जैसे सपोज द सेंट्रल लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट इज दैट लिस्ट. Only the center government can make the laws on center list. For example, the subject which is related to the entire country, जैसे foreign affairs, foreign relation हो गया, banking हो गया, आपका railways हो गया, communication हो गया, defense हो गया. क्योंकि ये हमारी पूरी country से related है so इन पे laws बनाने का जो काम है that is given to the central government. Clear? Second is state government. क्योंकि हर स्टेट की क्लाइमेट अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते देखते उनको अलग अलग लॉज बनाने के लिए बोला गया. जैसे एग्रीकल्चर, क्लाइमेट अलग है तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम भी सब में डिफरेंट है. ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया एंड स्मॉल स्मॉल थिंग, एजुकेशन हो गया. सो दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. And one or list, एक list और है that is concurrent list. Concurrent list पे state and central both can make the laws. ठीक है, so these three lists are provided from our constitution ताकि कोई किसी के काम में interfere ना करे. और एक list और है that is not given in your book that is known as the residuary list. Residuary list के अंदर कौन से subjects हैं? वो subjects हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं. जैसे कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. रेसिडुअरी लिस्ट क्यों बनी?
क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले फ्रेम हो गया था और ये वाले सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद में आए. सो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो रेसिडुअली लिस्ट में रखे गए. सो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये हमारी कंट्री में है, दैट्स वाई द इंडिया इज नोन एज द फेडरल कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट है. सो दिस इज की फीचर इज गिवन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. सेकेंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. मीन्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है. Although the president is a nominal head, the real head is Prime Minister and the Council of Ministers. And all the two houses of Parliament also the part of parliamentary government. And जैसे मैंने भी आपको बताया, central government, state government, पंचायती राज, or in all these governments we choose the leaders for these government. हम इनके ये leaders choose करते हैं. कौन choose करता है? The common people, ठीक है. Who choose these leaders? Common people choose this leader. And why we choose the leader? Because you run the country. और हम कैसे choose करते हैं? Because of universal adult franchise. The age is 18 years. If you avail the age of 18 or above the age of 18, you will get the right to cast your vote. And it is known as universal adult franchise. Clear? एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एक तो हम डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज दीज लीडर्स ऑन बिहाफ ऑफ अस दे टेक डिसीजन फॉर द कंट्री. एंड सेकेंडली वी ऑल्सो कंटेस्ट इन दिस इलेक्शन ऑल्सो. हम इस इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर. नाउ कम टू द थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर. आवर गवर्नमेंट हैज थ्री टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. वॉट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मेक द लॉज फॉर द कंट्री. कंट्री के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं. एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ एमपीज, एमएलए एंड पुलिस. क्लियर. एंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स सॉरी इट्स नॉट पुलिस, पुलिस इज हियर इन द एग्जीक्यूटिव. Executive is consist of Prime Minister, Council of Ministers and Police. Here I write down the Police. Clear? And what is the work of executive? To execute the laws which is made by the legislature. Legislature ने जो laws बनाए हैं उनको execute करने का जो काम है वो executives का है. Clear? इसमें IAS, IPS all categories come in this executive. Third is judiciary. Judiciary is the system of courts. System of courts, it settle down the disputes and interpret the laws. So our constitution defines the clearly power and functions of all these three organs of the government, ताकि ये एक दूसरे को interfere ना कर सके या अपनी power का misuse ना कर सके. This is the third feature of our constitution. And fourth one is fundamental rights. Some rights are given to Indians. Means these rights are applied to all citizens irrespective of their caste, gender and religion. क्योंकि हमने अपने ब्रिटिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड दे सी दैट हमें इक्वालिटी फ्रीडम कुछ नहीं मिलती थी. लेकिन इस फ्री कॉन फ्री इंडिया में वील गेट द फंडामेंटल राइट्स एंड दीज राइट्स अप्लाई टू ऑल सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन. ठीक है. और ये हमें क्यों प्रोवाइड किए गए? प्रोवाइड इसलिए किए गए दीज राइट्स टू प्रोवाइड इक्वली एंड फ्रीडम. ठीक है, ताकि हम इक्वली और फ्रीडम हम यहां पे अपने आप को महसूस करें. We are equal and we are free to do anything, whatever we want. Clear? It also prevents the establishment of dictatorial rule in the country. Means, jab we all are equal, nobody can dominate the others. It means, it also prevents us to establishment of the dictatorial rule, taki hamari country mein dictatorship introduce na ho sake.
ठीक है, सबको अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, क्लियर। एंड सपोज द स्टेट और गवर्नमेंट कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स, यू आर फ्री टू गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑल्सो, दैट दिस पर्सन और द स्टेट वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट्स, मीन्स दीज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। एंड फिफ्थ वन इज सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स अवर इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर कंट्री मीन्स देयर इज नो स्टेट रिलीजन, हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक है, इट मीन्स वहां पे कौन सा धर्म चलता है, इस्लाम, लेकिन हमारी कंट्री में कोई हिंदू या इस्लाम या ज़ोरोस्ट्रियन या पारसी कोई धर्म नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड, क्लियर, दैट्स वाई इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, क्लियर। दीज आर द फाइव की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक फीचर और है, इंडिया हैज अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट इज फ्लेक्सीबल ऑल्सो, फ्लेक्सीबल ऑल्सो मीन्स इफ वी वॉन्ट टू अमेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन अमेंड इट वेरी इजिली बाय टेकिंग द मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा से हम मेजोरिटी वोट्स लेंगे एंड सम सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन इजिली अमेंड, और अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चुके हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर बेटा। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, फेडरलिज्म इट मीन्स इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सो वी आर हैविंग द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज, सो इंडिया इज नोन एज द फेडरल कंट्री। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, वी आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कंट्री, बिकॉज वी चूज द लीडर, वो जो लीडर है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज लीडर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल फॉर अस, जो भी काम वो करते हैं वो जवाबदेही है हमारे प्रति, वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है कि वाई दे हैव डन दीज वर्क्स, क्लियर। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, क्लियर। एंड द फंडामेंटल राइट, दीज राइट आर गिवेन टू ईच एंड एवरी ऑफ इंडियन सिटीजन जस्ट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्लियर। फ्रीडम दी गई है, इक्वालिटी दी गई है, एंड दे कैन गो टू द कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, एंड रूल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री, क्लियर। एंड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, एंड एवरी रिलीजन चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी है दे आर इक्वली रिस्पेक्टेड, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा दो मैंने और बताए थे, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सीबल, ठीक है बेटा। एंड थर्ड पार्ट के अंदर हम करेंगे द फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आपको ये की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू।